विकास सरोकार। डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि आज, राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, सभी सांसद हुए शामिल। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर बोले ओएसी, बोलेंगे नहीं पक्का करेंगे, आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। फरुखाबाद में एसपी ऑफिस, तख्ती लेकर पहुंचा हिस्ट्री शीटर साहब, अब नहीं करूंगा अपराध। प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख करते हैं खबर की ओर। राजधानी लखनऊ में बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अंबेडकर अस्थि कलश स्थल पर सीएम योगी ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि करते हुए पुष्प अर्पित किया। इसके साथ ही सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि हर व्यक्ति अपने हक की लड़ाई लड़ सकता है और बाबा साहेब का जीवन समाज कल्याण के लिए था। इसके साथ ही कहा कि बिना भेदभाव के शासन की योजना लोगों तक पहुंचा रही ये सरकार बाबा साहेब के पथ पर चलने वाली और बाबा साहेब के जीवन से तमाम राह निकली। करने वाले सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं प्रदेश शासन की ओर से इस महामानव जिनके कारण आज दुनिया के हर व वंचित दवा कुशला व्यक्ति एक नया प्रकाश और नई प्रेरणा प्राप्त करता है, ऐसे महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उनके इस महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जब भी दुनिया के अंदर स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुता की बात होगी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लोग बड़े गौरव और गरिमा के साथ लेंगे। राजधानी लखनऊ में बसपा कार्यालय में आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस आयोजन किया गया। परिनिर्वाण दिवस पर बसपा प्रमुख मायावती ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही आज पूरे देश में 67वें परिनिर्वाण दिवस देश भर में मनाया जा रहा है। बाबरी विध्वंस की आज 30वीं बरसी है। आज के ही दिन 1992 में अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। बाबरी विध्वंस की बरसी को देखते हुए यूपी की अयोध्या और मथुरा में हाई अलर्ट घोषित करते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिस प्रशासन ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है और जगह जगह पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। फरुखाबाद में एसपी कार्यालय में एक हिस्ट्री शीटर अजब गजब तरीके से आत्मसमर्पण करने पहुंचा। उसके हाथ में एक तख्ती थी जिस पर लिखा था, साहब मैं बेकसूर हूं, आम नागरिक की तरह जिंदगी जीना चाहता हूं। जानकारी के मुताबिक जिले के टॉप 10 बदमाश के साथ उसकी मां भी मौजूद थी, जिसने बताया कि उसके बेटे मंदिर में सुधरने की सौगंध खाई है। इसके बाद एसपी ने उसे किसी के द्वारा बेवजह परेशान नहीं किए जाने का आश्वासन दिया है। कि ये सारे मुकदमे इसे झूठे लगे हुए हैं, हम इनको अपने साथ घर पर रखना चाहते हैं बस। अच्छा, अंदाज से कितने मुकदमे होंगे? 8। अच्छा, 8 मुकदमे। तो माता जी, तो इसमें क्या कप्तान साहब मिले, क्या कहा कप्तान? यही सब बातें कहा। तो कप्तान साहब ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने ये कहा कि सुधरना चाहते तो रहो साथ में, मतलब पुलिस तो मतलब ऐसे आएगी तो वो जानकारी करेगी, सहयोग की बात कही है जी। अच्छा, ये आदित्य राजपूत और बादल जो कि फरुखाबाद थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जिसके ऊपर 8 मुकदमे पंजीकृत हैं और वो गैंगस्टर का भी अपराधी है जिसके ऊपर पूर्व में ये पंजीकृत हुआ था और अभी बाहर है, जेल से जमानत पर है। उसके द्वारा बताया गया है कि वो एक स्वच्छ और
अपराध मुक्त जीवन जीना चाहता है तो उसको यही बताया गया है कि आप प्रॉपर ढंग से रहें, क्राइम में दोबारा से इन्वॉल्व ना हो। कारण क्या है, कोई कौन परेशान करता है, कितने मुकदमे हैं आप? पता नहीं ऐसे परेशान करता। कितने मुकदमे हैं आप पर? हम पे पता नहीं, आज मुकदमे। अच्छा, तो एसपी साहब से मिल लिया आपने? तो आपकी क्या कहा करता था? हम मतलब अपनी मम्मी के साथ घर पर रहना चाहते हैं, तो पहले आप आपराधिक इतिहास आपका रहा है तो अब उसका उसके पर नज़रिया कुछ बदला आपका? हाँ जी बदला है। उद्देश्य ये है कि उनके पेरेंट्स का ये कहना है कि मेरे लड़के के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं। कितने मुकदमे होंगे इस पे? लगभग यही होंगे 8-9 के। तो ये कोई गैंगस्टर का भी बता रहे थे? हाँ, गैंगस्टर का, एक गैंगस्टर का मुकदमा लगा है, बाकी तो एक गैंगस्टर का आरोपी कहेंगे। हाँ। तो यहाँ एसपी साहब पास लेके आए, इससे पहले भी आप कई अपराधियों को ला चुके हैं, तो इनका मोटिव क्या रहता है और क्या पूरा प्रोसेस रहता है? ऐसा है, इससे पहले भी हमने 2 करवाए थे, इनको मिला के हमने 3 हो गई है, और ये तीनों बच्चे जो हैं सुधरना चाह रहे थे, तो इन्होंने सुधरने के लिए एक अपने घर से घर वालों माता पिता की बात मानी है। ये हमें, मुझे ये लगता है कि इनको मौका मिलना चाहिए। और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुंदरम हमारे साथ जुड़ेंगे। सुंदरम, अजीब गरीब तरीके से एक हिस्ट्री शीटर आपराधिक अपने आत्मसमर्पण करने पहुंचा है, इसको लेकर और क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है? जी बताना चाहूंगा कि जो हिस्ट्री शीटर है, इसका नाम आदित्य राजपूत और बादल है, और इससे कई करीब जो है कि 8-9 मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। वहीं यह गैंगस्टर का भी आरोपी है, लेकिन यह एसपी ऑफिस पहुंचता है, वहां पर हाथ में तख्ती पकड़े हुए जब जाता है, एसपी के सामने ये अपराध छोड़ने का एफिडेविट भी देता है, और इसके परिजनों द्वारा जानकारी दी गई है कि इसने मंदिरों में जाके ईश्वर की शपथ ली है कि आगे कभी अपराध नहीं करेगा। कह सकते हैं कि योगी सरकार में जो पुलिस का खौफ है वो अपराधियों के अंदर साफ तौर पर नजर आ रहा है, और आपको बता दें कि कहीं कहीं ये साफ तौर पर दिखता है, जहां पर अपराधी जो कि बड़े अपराधी हैं, इनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं, वह हाथों में तख्ती लेकर गले में तख्ती डाल के कप्तान के पास जाते हैं और कहा कि वे अपराध छोड़ने की कसम खाते हैं। कहीं कहीं ये बड़े जो पुलिस की जो कार्रवाई, उसका खौफ साफ तौर पर नजर आता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुंदरम। रायबरेली में जगतपुर कस्बे के सलोन रोड के पास कपड़े की दुकान में जीएसटी विभाग ने छापेमारी की। बता दें कि दुकान पर एसबीआई लखनऊ टीम ने छापेमारी की। इसके साथ ही छापेमारी के दौरान एसआईबी टीम ने मीडिया कर्मियों से की बदलसूखी और पुलिस बुलाकर व्यापारियों को भगाने का प्रयास किया। कानपुर में बाबरी मस्जिद के विध्वंस तिथि को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी और मजबूत कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक कानपुर कमिश्नरेट के चारों जोन में अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है, और बाबूपुरवा, जाजमऊ, बेकनगंज में एक एक पलाटून, रावतपुर में एक कंपनी पीएससी की तैनात की गई है। वहीं संवेदनशील इलाकों में ड्रोन व पीटीजेट कैमरों से निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही लोकल इंटेलिजेंस यूनिट भी अलर्ट मोड पर है, और सादे कपड़ों में पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ेंगे। भूपेंद्र, आज बाबरी मस्जिद की 30वीं बरसी है, इसको लेकर क्या कुछ और अलर्ट किया गया है वहां पर? कानपुर से जो विनय हथियार जो है, पूर्व सांसद सब राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, बाबरी मस्जिद मेन आरोपी रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो चार जो है, बाउर हुआ, जाजमऊ, बेगनगंज और राजपुर, और सब बाउर हुआ जो है अलर्ट किया गया। उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी तरीके से जो अलर्ट जो मामला था वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सक्रिय रहा है। पूरे चारों जोन कानपुर के जो थे वो पूरी तरीके से सक्रिय हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो बाबरी मस्जिद वाला मामला था वो पूरी तरीके से निष्क्रिय हो गया है, और जो कानपुर कमिश्नरेट है वो पूरी तरीके से सफल है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका उपेंद्र। बुलंदशहर में थाना गुलावटी क्षेत्र के गांव जिरावटी के पास पुलिस की बाइक सवार बदमाश से मुठभेड़ हुई, जिसमें क्रॉस फायरिंग होने पर एक बदमाश के पैर में गोली लगी। जानकारी के मुताबिक ट्रक लूट की घटना में वांछित बदमाश चल रहा था, वहीं पुलिस ने बदमाश के कब्जे से अवैध कारतूस व बाइक बरामद किया है।
रायबरेली सरेनी थाना इलाके के गोगासो पुल के पास एक छात्र आत्महत्या करने जा रही थी, तब तक रात्रि गश्त के लिए मुस्तैद पुलिस की नजर लड़की पर पड़ गई और पुलिस ने सूझबूझ का परिचय देते हुए लड़की की जान बचाई। वहीं छात्रा ने खुद को पुलिस वालों से घिरा देखी तो फवक फवक कर रोने लगी, जिसके बाद पुलिस ने छात्रा को प्यार से समझाते हुए आत्महत्या का कारण पूछा तो उसके जवाब हर कोई हतप्रभ रह गया। छात्रा के मुताबिक उसका पिता शराब का आदी है और उसके साथ मारपीट करता है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों को बुलाकर समझाते हुए लड़की को सौंप दिया। वहीं पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने छात्रा को बचाने वाली पुलिस टीम की सराहना की है और अपने पिता से बहुत परेशान है। जब वो 4-5 वर्ष की थी तो उसकी माता की मृत्यु हो गई थी और तब से पिता उसको बहुत परेशान करता था और पिता के बारे में उसने भी कहा कि उनको शराब पीने की शिकायत है और उसकी वजह से उसके साथ वो काफ़ी मारपीट और प्रताड़ित करते थे, उसकी पढ़ाई पे भी व्यवधान आ रहा था। इन बातों से उत्पीड़ित होकर के आज उसने डिसाइड किया था कि वो पुल पर से कूद करके अपनी जान दे देगी, परंतु ऐन वक्त पे पुलिस ने, सरनी थाना की पुलिस ने इंटरवीन किया और उस लड़की को समझाया बुझाया, फिर उनके घर वालों को खबर की गई, उनके घर वालों के जो शुभचिंतक थे उनको भी खबर की गई, बुला करके लड़की को सकुशल उनके घर वालों के सुपुर्द किया गया। लखनऊ में दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन अल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रजवी बरवलवी ने अहमदाबाद के जामा मस्जिद के इमाम मौलाना शब्बीर अहमद के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें कहा गया है कि मुस्लिम महिलाएं टिकट लेकर इलेक्शन न लड़ी। मौलाना बरवलवी ने कहा कि इस्लामी शरीयत मुस्लिम महिलाओं को गंदी राजनीति करने से रोकती है। इस्लाम ने महिलाओं को पाकीजगी और उनके रुतबे का ख्याल रखा है, इसलिए मौजूदा दौर की चुनावी राजनीति से मुस्लिम महिलाएं बचनी चाहिए। शरीयत का यह हुक्म सिर्फ मुस्लिम महिलाओं पर लागू होता है और दूसरे तबके से ताल्लुक रखने वाली महिलाएं इससे अलहेदा हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीयत इस्लामिया ने मौजूदा इलेक्शन के ताल्लुक से औरतों के तहफ्फुज और उनके तकद्दस, उनकी पाकीजगी का ख्याल रखते हुए इलेक्शन लड़ने के लिए मना किया है, ताकि इसमें जो खराबियां हैं, बुराइयां हैं, उससे ख्वातीन महफूज रह सकें। इस्लाम औरतों के मकाम और उनके तकद्दस का बड़ा लिहाज और पास करता है और उसमें बड़ी हैसियत। औरैया के बेला थाना क्षेत्र के ग्राम हिदापुरवा में लापता हुई एक किशोरी का शव कुएं में तैरता मिला। ग्रामीणों ने शव को तैरता देख पुलिस को सूचना दी तो वहीं शव के शनाख्त गांव के रहने वाले आशिक अली की बेटी मुस्कान की शक्ल में की गई। वहीं घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच में जुट गई है। कब ये निकली थी घर से? बता रहे साहब, हमें कुछ मालूम नहीं, उन्हें उनकी मम्मी बता सकती हैं। क्या बता रही हैं? जो कुछ बताना, 4 बजे जने बता रहे थे, सबके सामने उन्हें बताओ। कल शाम 4 बजे निकले यहाँ, कैसे पता चला? यहाँ साहब गाँव के आदमी ढूंढ रहे थे, हम तो बाहर थे। मिर्जापुर के आसिफ अली की 17 वर्षीय पुत्री का शव एक कुएं में तैरता हुआ मिला था। इस सूचना पर बेला पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कुएं से बाहर निकाला गया। पूछताछ में मृतका के पिता के द्वारा ज्ञात हुआ कि मेरी पुत्री टेलीफोन से वार्ता करती थी, जिसके कारण मेरी पत्नी ने उसे एक दिवस पूर्व डांट दिया था। डांटने के कारण मेरी पुत्री आत्महत्या कर ली है। शव को पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए। कोंडा नवाबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुलालपुर गांव में आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी की। बता दें, इस कार्यवाही के दौरान प्रशासन को काफी तादाद में जहरीली शराब और शराब बनाने का लहन बरामद किया गया। बता दें कि प्रशासन ने कई हजार लीटर शराब मौके पर नष्ट की। वहीं पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत अवैध कच्ची व जहरीली शराब बनाकर बेचने वाले अज्ञात माफियाओं पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसके द्वारा और नदी के किनारे लोग अवैध रूप से कच्ची शराब बनाने लगते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने 4 टीमें बनाई हुई हैं जो पुलिस प्रशासन के सहयोग से और अपने आप भी सूचनाएं कलेक्ट करते हैं और उसके बाद लगातार छापेमारी करते रहते हैं। डेली आप देख ही रहे हैं, डेली कहीं ना कहीं कार्रवाई होती है। अभी हम लोगों ने बहुत बड़े स्तर पर नवाबगंज जो पानी उतरने के बाद माझा में पूरी टीम नाव लेके जो भी बीच बाच में जहाँ भी मिला
सब नष्ट कराया है और अब लगातार भ्रमण में है डेली, कहीं भी अगर सूचना मिलती है तत्काल कार्रवाई करते हैं अपने स्तर। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।